दोस्तों आज मैं आपको कश्मीर टूर की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कश्मीर टूर में श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन को घूमने कैसे जाया जा सकता है, जाने का सस्ता और सही तरीका क्या है, कुल कितना खर्चा होगा कश्मीर टूर में, कहाँ रुकना बेस्ट होगा, कहाँ कहाँ हमें घूमने जाना चाहिए, ऐसे तमाम सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। आप भविष्य में कभी भी कश्मीर टूर कर लीजिए, इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, आपका टूर बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोग माता वैष्णो देवी यात्रा के बाद कश्मीर घूमने जाते हैं, तो उनके लिए भी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज चलते हैं हिंदुस्तान के स्वर्ग कश्मीर में। अगर आपको पूरा कश्मीर टूर करना है जिसमें श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम ये चारों मौजूद हैं, तो कैसे करना है वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको आना होगा श्रीनगर। श्रीनगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि श्रीनगर एक बहुत बड़ा शहर है और वेल कनेक्टेड है बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है, करीब 3600 रुपए इकोनॉमी क्लास में टिकट है। इसके अलावा मुंबई, कोलकाता और भोपाल जैसे बड़े बड़े शहरों से भी फ्लाइट है श्रीनगर के लिए, लेकिन वो वाया दिल्ली होकर आती हैं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रेन से आ जाइए। ट्रेन से आने के लिए अभी डायरेक्ट ट्रेन लाइन अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद ट्रेन ट्रैक शुरू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जम्मू तक आ सकते हैं। जम्मू देश के सभी बड़े बड़े शहरों से रेल मार्ग द्वारा बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। जम्मू से श्रीनगर आने के लिए आपको बाय ट्रेन आप उधमपुर तक आ सकते हैं, यानी जो लोग माता वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं वो लोग कटरा तक आ सकते हैं, आप चाहे तो उधमपुर तक आ सकते हैं। उधमपुर से बनिहाल करीब 93 किलोमीटर का वो रास्ता है, उस पर अभी रेल मार्ग का काम चल रहा है, आने वाले समय में वो रेल ट्रैक भी शुरू हो जाएगा। लेकिन बनिहाल से आगे श्रीनगर 109 किलोमीटर है, उस पर ट्रेन चलती है, आप चाहे तो वो वाला रास्ता ट्रेन से कवर कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जम्मू, उधमपुर और कटरा हमें कहाँ से जाना बेस्ट होगा। देखिए अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा करके आए हैं तो आप ऑब्वियसली कटरा में मौजूद रहेंगे, बट अगर आप स्पेशली कश्मीर टूर करने आए हैं तो आप जम्मू में मौजूद होंगे अगर आप बाय ट्रेन आते हैं, या फिर आप आगे उधमपुर तक बाय ट्रेन आ सकते हैं। अब मैं तीनों ही जगह से बताता हूँ कि आगे आपको बाय ट्रेन कैसे जाना है। देखिए अगर आप उधमपुर, जम्मू या कटरा कहीं भी मौजूद है तो बनिहाल तक तो एटलीस्ट आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी रेल मार्ग शुरू नहीं हुआ है, काम उस पर चल रहा है। 93 किलोमीटर का सफर रहेगा। जम्मू की बात करूँ तो बहुत सारी जम्मू रोडवेज की बसें चलती हैं जो आपको बनिहाल ड्रॉप कर देंगी, आप चाहे तो डायरेक्ट श्रीनगर भी जा सकते हैं। अगर आप कटरा में मौजूद हैं तो डायरेक्ट कोई बस अवेलेबल नहीं है, ना ही बनिहाल तक ना ही श्रीनगर तक, तो आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी या फिर आप पर्सनल टैक्सी बनिहाल तक ले लीजिए, करीब 7000 रुपये वो चार्ज करेंगे। शेयर टैक्सी का डिपेंड करता है कि आप लोग इतने लोग हों जो शेयरिंग में आप टैक्सी बुक कर लें तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप उधमपुर में मौजूद हैं तो उधमपुर से भी आपको जम्मू कश्मीर रोडवेज की बसेस मिल जाएंगी, जिसमें 150 से 170 रुपये वो चार्ज करेंगे बनिहाल तक, 3 घंटे के आसपास का वो सफर रहने वाला है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। उसके बाद जब आप बनिहाल पहुंच जाएंगे तो बनिहाल से श्रीनगर के बीच में ट्रेन चलती है। बनिहाल से श्रीनगर के बीच की दूरी करीब 109 किलोमीटर है, हर 1-1.5 घंटे में वहाँ पर ट्रेन मिल जाती है। जनरल क्लास में टिकट का किराया मात्र 35 रुपए है। 1.5-2 घंटे का वो सफर रहेगा, लेकिन बहुत खूबसूरत रहेगा क्योंकि कश्मीर की खूबसूरत वादियों में से होकर वो ट्रेन निकलती है। लास्ट ट्रेन शाम को 7 बजे है। आपको रास्ते में खूबसूरत सीनिक व्यू देखने के लिए मिलेंगे, तो बनिहाल से श्रीनगर का सफर भी बहुत खूबसूरत रहेगा। अगर आप स्नोफॉल के टाइम पर आते हैं तो अच्छी खासी बर्फ भी आपको रेल मार्ग में देखने के लिए मिलेगी, तो वो अपने आप में बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहता है। ये बात हो गई बाय ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं। अब बात करते हैं बाय रोड अगर आना चाहे तो कैसे आए। बाय रोड आने के 3 तरीके हैं, या तो आप बस से आ जाइए, या फिर आप टैक्सी लेकर आ जाइए, या फिर आप अपना खुद का वाहन लेकर आ जाइए। अगर आप बाय बस आते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर के लिए बसेस अवेलेबल हैं। 810 किलोमीटर दिल्ली से श्रीनगर के बीच की दूरी है। वॉल्वो बस भी वहां से अवेलेबल है, किराया
2,199 रुपए, एक है बस सेमी डिलेक्स नॉन एसी, किराया 1,837 रुपए, एक है ऑर्डिनरी बस, उसका किराया है 1,649 रुपए। तीनों बस जम्मू कश्मीर रोडवेज की हैं और टाइमिंग तीनों की 1 बजे है दोपहर को, तीनों बस एक साथ ही निकलती हैं। मिलेंगी आपको दिल्ली में सराय कालेखा ISBT से। तो ये तो बात हुई बस से दिल्ली से कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जम्मू आ गए हैं देश के अलग अलग शहरों से डायरेक्ट ट्रेन से जम्मू आकर उसके बाद बस लेना चाहते हैं तो जम्मू बस स्टैंड से आपको जम्मू कश्मीर रोडवेज की बहुत सारी बसेस मिलेंगी जो श्रीनगर निकलती है, तो वहां से भी जा सकते हैं। अगर आप कटरा मौजूद हैं तो जम्मू आ जाइए, तब भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे श्रीनगर बाय रोड जाने के। इसके अलावा बसेस की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप दिल्ली की एक वेबसाइट है www.dtidc.co.in। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की भी एक वेबसाइट है जहां पर आप बसेस की डिटेल ले सकते हैं, वेबसाइट है www.jksrtc.com। तो ये हुई अगर आप बस से आना चाहते हैं उसकी जानकारी। दूसरा ऑप्शन है आप अपना वाहन लेकर आ जाइए अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं, और एक और ऑप्शन है कि आप टैक्सी हायर कर लीजिए, चाहे जम्मू से कर लीजिए चाहे अपने घर से कर लीजिए, जहां से आपको लगे, वो आपके बजट पर डिपेंड करता है। अपना वाहन लाने का एक फायदा भी है चाहे टैक्सी हो या खुद की गाड़ी। फायदा ये है कि श्रीनगर से करीब 55 या 60 किलोमीटर पहले एक रास्ता डाइवर्ट होता है जो पहलगाम के लिए जाता है, तो ऐसे में आप चाहें तो पहलगाम पहले जा सकते हैं और श्रीनगर बाद में जा सकते हैं। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, चाहे वो फ्लाइट हो चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बसेस हो, तो आपको श्रीनगर ही आना पड़ेगा, पहलगाम को आपको बाद में करना पड़ेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है अपनी गाड़ी से आने का, चाहे वो टैक्सी हो या फिर खुद की गाड़ी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है कश्मीर टूर करने का, वो है टूर पैकेज। बहुत सारी ट्रैवल एजेंसियां ऐसी हैं जो कश्मीर टूर कराते हैं, सबके इटनरी अलग अलग हैं, सबके चार्जेस अलग अलग हैं। कोई परफेक्ट होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट रह सकता है। फिलहाल मैं आपको अपने तरीके से इटनरी बता रहा हूँ जैसा मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके आया हूँ। ये तो बात रही श्रीनगर पहुँचने तक की, अब बात करते हैं कि श्रीनगर में हमें रुकना कहाँ है। रुकने के लिए वहाँ पर होटल रिजॉर्ट बहुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन श्रीनगर आने के बाद अगर होटल या रिजॉर्ट में रुके तो फिर मजा नहीं आएगा। उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा श्रीनगर की फेमस डल झील में मौजूद हाउस बोट में। हाउस बोट में रुकने के लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीनगर बहुत बड़ा शहर है, आपको सब कुछ सर्च करना पड़ेगा कि आपको पहुंचना कहाँ है। देखिए श्रीनगर में एक है डल झील और एक है डल गेट। अगर आप डल झील के नाम से जाएंगे तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे, आपको जाना होगा डल गेट पर। डल गेट वो पॉइंट है जो बेसिकली एक टूरिस्ट पॉइंट है जहां पर सभी टूरिस्ट आते हैं। वहां पर आप शिकारा बोट एंजॉय कर सकते हैं, वहां पर आप हाउस बोट में आकर स्टे कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। हाउस बोट में रुकने का बहुत अलग एडवेंचर रहेगा। हाउस बोट के जो किराया है वो रहता है करीब 1,000 रुपए से 2,000, 2,500 या इससे ज्यादा भी रहता है। बाकी कुछ सस्ती हाउस बोट भी हैं जो 700-800 में आपको मिल जाएंगी। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, चाहे तो ऑन द स्पॉट आकर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी हाउस बोट डल झील में बनी हुई हैं, तो कोई कमी नहीं है वहाँ पर हाउस बोट्स की। और हाउस बोट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आप चाहें तो फूड भी साथ में ले सकते हैं तो उसका थोड़ा चार्जेस ज़्यादा रहेंगे, आप चाहें तो विदाउट फूड भी हाउस बोट को बुक कर सकते हैं। बात आती है कि हाउस बोट में रुकने के बाद अगर हमें श्रीनगर की दूसरी साइट्स पर घूमने जाना हो तो कैसे जाएंगे। देखिए जितनी भी हाउस बोट है ना, उनकी सबकी एक एक शिकारा बोट होती है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे आपकी शिकारा बोट से रोड तक पहुंचाने की। अगर आप हाउस बोट में नहीं रुकते हैं और उसके बाद डल झील को एंजॉय करना चाहते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि श्रीनगर में आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं। श्रीनगर आने के बाद डल झील में घूमना तो बनता है, वो हम करेंगे शिकारा बोट से। शिकारा बोट में घूमने के तरीके हैं बहुत सारे, डिपेंड करता है कि आपको कितनी साइट्स कवर करनी है, क्योंकि डल झील में ही बहुत सारे साइट सीन हैं जो आपको कवर करने चाहिए। उनमें से कुछ हैं लोटस गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन, वाटर लिली गार्डन, गोल्डन लेक, ऐसे कई सारे अलग अलग करीब 12 या 13 पॉइंट हैं जो आप डल लेक में शिकारा बोट में घूमते हुए एंजॉय कर सकते हैं। सबके चार्जेस अलग अलग हैं, टाइमिंग पीरियड अलग अलग है, मतलब 200 रुपये से स्टार्ट होता है और 700-800 रुपये तक का पैकेज रहता है, जिसमें 2 या 3 लोग आराम से शिकारा बोट में बैठ सकते हैं और घूमने जा सकते हैं। 200 रुपये वाला जो शिकारा बोट राइड है उसमें वो 5 या 6 आपको पॉइंट कवर कराएंगे और 1 घंटे का समय लगेगा। और जो 700-800 रुपये वाला शिकारा बोट राइड है उसमें होगा ये कि वो आपको डल झील के 12 पॉइंट घुमाएंगे और करीब 2.5 या 3 घंटे का समय लगेगा। जैसा आपको सही लगा आप कर सकते हैं, लेकिन श्रीनगर आने के बाद डल झील में घूमना जरूर चाहिए, वो एक अलग एक्सपीरियंस आपका रहेगा।
इसके अलावा आप श्रीनगर में शंकराचार्य टेम्पल देखने के लिए जा सकते हैं। वैसे तो डल झील में जब आप शिकारा बोट में एंजॉय कर रहे होंगे तो आपको पहाड़ पर शंकराचार्य टेम्पल दिखाई देगा। इसके अलावा श्रीनगर में घूमने के लिए परी महल, चश्मे शाही बाग, नागिन लेक, निषाद बाग, हजरत बल जैसे बहुत सारे अलग अलग जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। सबके दूरी अलग अलग है, तो आप चाहें तो श्रीनगर आने के बाद टैक्सी बुक कर सकते हैं जो पैकेज में चलती हैं अलग अलग साइट्स को कवर कराने के लिए। आप चाहें तो अपनी गाड़ी है तो उसे लेकर जा सकते हैं। टैक्सी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कितना खर्चा आता है उसमें। अगर आप मुगल गार्डन कवर करते हैं जिसमें चश्मे शाही, निषाद बाग और शालीमार गार्डन है, तो उसमें टैक्सी वाले चार्ज करेंगे आपसे 1270 रुपये। इसके अलावा मुगल गार्डन, परी महल, हजरत बल और कुछ एक दो मंदिर भी हैं, उन्हें अगर आप कवर करना चाहते हैं तो टैक्सी वाला चार्ज करेंगे 2330 रुपये। अगर आप शंकराचार्य टेम्पल देखने जाना चाहते हैं तो 600 रुपये टैक्सी वाले चार्ज करेंगे। अगर आप पूरे श्रीनगर ओल्ड सिटी का एक राउंड करना चाहते हैं टैक्सी के थ्रू तो 1000 रुपये वो चार्ज लेंगे और पूरा श्रीनगर आपको घुमा के लाएंगे। कोई अलग साइट सीन नहीं करेंगे लेकिन पूरा श्रीनगर आपको घुमा देंगे ताकि आप श्रीनगर के कल्चर को समझ सकें, वहाँ की सड़कों को देख सकें और कुछ खास खास पॉइंट भी वो आपको दिखा देंगे। अगर आप सिर्फ परी महल और चश्मे शाही कवर करना चाहते हैं तो 900 रुपये टैक्सी वाले चार्ज करते हैं। तो ये है कुछ टैक्सी के चार्जेस जो आपको श्रीनगर में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं तो एयरपोर्ट से आपको आपके होटल तक लाने के 1036 रुपये चार्ज करते हैं टैक्सी वाले और आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के 700 रुपये चार्ज करेंगे टैक्सी। तो ये है कुछ टैक्सी के चार्जेस श्रीनगर के। जैसे आपको सही लगे आप घूम सकते हैं, एक रात श्रीनगर रुकिए, नेक्स्ट डे आप निकल जाइए श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए भी अलग अलग ऑप्शन है, आप चाहें तो बसेस से जा सकते हैं। वैसे श्रीनगर से डायरेक्ट आपको टंगमर्ग के लिए बस मिल जाएगी और टंगमर्ग से गुलमर्ग की दूरी रह जाती है करीब 13 या 14 किलोमीटर और टंगमर्ग से ही गुलमर्ग के बीच में हिल एरिया आता है। टंगमर्ग तक तो लगभग मैदानी क्षेत्र ही रहता है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेना चाहते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग की तो वो ड्रॉप करने के आपको 1850 रुपये पे करने पड़ेंगे टैक्सी में। बसेस में किराया है 50 से 60 रुपये, बहुत सस्ता और आसान तरीका। अगर आप फुल डे टूर करना चाहते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग का, यानी वो आपको पूरा गुलमर्ग घुमा के ले आए और वापस आपको श्रीनगर ड्रॉप कर दें, तो 3,3500 रुपये वो चार्ज करेंगे टैक्सी वाले। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप गुलमर्ग में नाइट स्टे नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको नाइट स्टे गुलमर्ग में करना है तो गुलमर्ग में जो होटल्स हैं वो थोड़े महंगे हैं, बहुत ज़्यादा होटल भी नहीं है वहाँ पर, चुनिंदा होटल रिजॉर्ट हैं लेकिन वो कॉस्टली हैं। जो वहाँ पर किराया शुरू होता है एक रूम का वो 1700-1800 से शुरू होता है, जो 5000 या 6000 तक जाता है, डिपेंड करता है सीजन पर। सर्दियों में अगर आप गुलमर्ग आते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी वहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, पूरा गुलमर्ग बर्फ़ से ढका रहता है, उस समय चार्जेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट सर्दियों में आते हैं। अगर आप गर्मियों में आते हैं तो गर्मियों में भी गुलमर्ग घूमने का एक अलग ही मजा है, किराया होटल का तब भी हाईफाई ही रहता है वहाँ पे। एडवेंचर लवर के लिए गुलमर्ग एक बहुत बढ़िया जगह है। गुलमर्ग में एक गंडोला राइड आप कर सकते हैं, दो फेज में गंडोला राइड होती है। गंडोला राइड मतलब रोप वे चलती है वहाँ पर, जिसमें किराया गुलमर्ग से कांगडोर तक का करीब 750 रुपये जो राउंड ट्रिप में है और एक घंटे में 1500 पैसेंजर को ले जाने की कैपेसिटी भी उनकी है। एक फेज टू कांगडोर से आपको टॉप व्यू पॉइंट पर लेकर जाएंगे, एक घंटे में वहाँ भी 600 पैसेंजर चलते हैं और वो भी बहुत खूबसूरत राइड रहेगी। टिकट है उसका 950 रुपये राउंड ट्रिप का और फेज वन और टू दोनों का एक साथ टिकट ले लीजिए तो 1690 रुपये का टिकट बनेगा। 3 साल से छोटे बच्चे का टिकट नहीं लगता और 3 साल से ऊपर के सभी बच्चों का और एडल्ट का फुल टिकट आपको लेना पड़ेगा। तो गुलमर्ग की जो रोप वे है, जो गंडोला है, वो एशिया में हाईएस्ट रोप वे के नाम से भी जानी जाती है और बहुत खूबसूरत वो राइड रहेगी। इसके अलावा बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आप वहाँ पर कर सकते हैं, जैसे स्नो स्कूटर इंजॉय कर सकते हैं, स्नो मोबाइल आप इंजॉय कर सकते हैं। 4 अलग अलग पॉइंट में K1, K2, K3, K4 सबके चार्जेस भी अलग अलग हैं। K1 का चार्ज है 1200, K2 का 1700, K3 का 2200 और K4 का 3500 रुपये। दूरी के हिसाब से और समय के हिसाब से चार्जेस सबके ज़्यादा ज़्यादा हैं, तो जो भी आपको सही लगे आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा स्कीइंग आप कर सकते हैं, 500-600 रुपये वो चार्ज करते हैं। स्नो बोर्डिंग आप वहाँ इंजॉय कर सकते हैं। ये तो थे वो सभी चीज़ें जो आप बर्फ़ में आकर इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा गुलमर्ग में एक शिव मंदिर भी है जिसे आप पैदल बाय ट्रैकिंग करके ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत खूबसूरत वो मंदिर है, वहाँ से पूरे गुलमर्ग वैली का भी खूबसूरत व्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे गुलमर्ग में बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। राजेश खन्ना का एक गाना भी इसी शिव मंदिर में शूट किया गया था। गाने के बोल हैं, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़, वो भी यहीं पर।
गुलमर्ग में आप घुड़सवारी कर सकते हैं और घुड़सवारी करते करते आप काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स को भी घूमने जा सकते हैं, जिसमें अलग अलग साइट्स के अकॉर्डिंग चार्जेस हैं। अगर आप गुलमर्ग की सैर करना चाहते हैं विद स्ट्रॉबेरी वैली तो 1000 रुपए पौनी वाले चार्ज करते हैं। अगर आप गुलमर्ग से खिलनमर्ग और सेवन स्प्रिंग और बैक वापस आप गंडोला से आना चाहते हैं तो 1500 रुपए वो चार्ज करेंगे। फ्रोजन लेक अगर आप देखना चाहते हैं तो 1700 रुपए वो चार्ज करेंगे पौनी वाले और आपको घुमा कर लेके आएंगे। इसी तरह से काफी सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, काफी सारे अलग अलग पैकेज हैं जो आप कर सकते हैं। गुलमर्ग से अगर आप ड्रंग जाना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं तो 1500 रुपए वो चार्ज करेंगे। अगर आप पोनी लेना चाहते हैं, पोनी के थ्रू गुलमर्ग में घूमना चाहते हैं वैसे ही इधर उधर, तो 500 रुपए में आपको 1 घंटे के लिए पोनी और पोनी वाला साथ में मिल जाएगा, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। तो गुलमर्ग में एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है। वैसे फूड की भी बात कर लेते हैं। फूड के बारे में आपको श्रीनगर और गुलमर्ग दोनों ही के बारे में बता देना चाहता हूँ कि नॉन वेजिटेरियन फूड तो आपको बहुत और बहुत आसानी से मिल जाएगा। वेजिटेरियन फूड के लिए कुछ कम ही ऑप्शन है। गुलमर्ग की अगर मैं बात करूँ तो गुलमर्ग में 7-8 रेस्टोरेंट एक साथ लाइन में बने हुए हैं, जिनमें से सिर्फ एक रेस्टोरेंट ऐसा है जिसमें वेजिटेरियन फूड मिलता है, बाकी सब पे नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन के शौकीन हैं उनको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन वेजिटेरियन लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है गुलमर्ग आने के बाद। वैसे श्रीनगर में वेज होटल आपको मिल जाएंगे। डे 3 में आप गुलमर्ग से सोनमर्ग के लिए निकल सकते हैं। गुलमर्ग से सोनमर्ग की दूरी है करीब 119 किलोमीटर और करीब 3.5 घंटे का समय लगेगा। जाने के तरीके हैं कि आप टैक्सी ले लीजिए, 4000 रुपए वो लेंगे ड्रॉप करने के। डायरेक्ट बस आपको अवेलेबल नहीं होगी गुलमर्ग से सोनमर्ग के लिए, उसके लिए आपको पहले आना पड़ेगा श्रीनगर और श्रीनगर से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी सोनमर्ग के लिए, जो एक बहुत ही सस्ता तरीका रहेगा सोनमर्ग तक पहुंचने का। शेयर टैक्सी अगर आप लेना चाहते हैं तो अलग अलग चार्ज रहेंगे, क्योंकि अलग अलग टैक्सी भी आपको लेनी पड़ेगी अगर आप गुलमर्ग में मौजूद हैं। अगर आप श्रीनगर से सोनमर्ग जाना चाहते हैं तो श्रीनगर से 2400 रुपए चार्ज करेंगे टैक्सी वाले ड्रॉप करने के। अगर आप शेयर टैक्सी लेना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी भी आपको मिल जाएगी, बट डिपेंड करेगा कि टूरिस्ट वहां पर कितने हैं। सोनमर्ग में होटल आपको बहुत आसानी से और सस्ते होटल मिल जाएंगे, जिसमें 700-800 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक के अलग अलग होटल आपको मिल जाएंगे। सोनमर्ग जाना जाता है अपने सीनिक व्यूज के लिए। अगर आप लद्दाख टूर करते हैं वाया श्रीनगर कारगिल, तो उसी रूट पर रास्ते में पड़ता है सोनमर्ग, और जो लोग लद्दाख जाते हैं तो वो एक रात का स्टे सोनमर्ग में भी करते हैं, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती बहुत लाजवाब है। सोनमर्ग में आप काफी अलग अलग पॉइंट्स को घूमने जा सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो आप इन जगहों पर जरूर जाइएगा, जैसे थिजवान ग्लेशियर देखने आप जा सकते हैं, विसानसर लेक आप देखने जा सकते हैं, व्हाइट रिवर राफ्टिंग को आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, नीलागढ़ रिवर आप यहाँ देख सकते हैं पास में ही है, कश्मीर ग्रेट लेक ट्रैक आप करने के लिए निकल सकते हैं, बालताल वैली देखने के लिए जा सकते हैं जो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगाबल ट्रैक के लिए निकल सकते हैं 5 किलोमीटर की दूरी पर है, कृष्णासर लेक देखने के लिए जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा दूरी पर है वो यहाँ से करीब 22 किलोमीटर, और इसके अलावा बहुत सारे ट्रैकिंग एक्सपीरियंस अगर आप लेना चाहते हैं तो सोनमर्ग अपने ट्रैकिंग रूट के लिए भी जाना जाता है। और जो लोग लद्दाख जाते हैं तो वो सोनमर्ग से आगे जोजिला पास होकर जाते हैं। अगर आप जोजिला पास देखना चाहते हैं तो 18 किलोमीटर की दूरी पर जोजिला पास मौजूद है, और फूड यहाँ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस यहाँ भी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से आप कश्मीर के 3 बड़े बड़े शहरों को कवर कर चुके होंगे, जिसमें श्रीनगर, गुलमर्ग और सोनमर्ग रहेगा। अब बात आती है कि पहलगाम कैसे जाया जाए। देखिए, सोनमर्ग से अगर आप पहलगाम आते हैं तो दूरी है 168 किलोमीटर, उसके लिए आपको श्रीनगर वापस आना पड़ेगा और उसके बाद आप पहलगाम के लिए निकलेंगे। वैसे सोनमर्ग और पहलगाम का एरियल डिस्टेंस देखें ना तो बहुत कम है, लेकिन बैरोड जो पहुंचेंगे वो काफी ज्यादा है। 168 किलोमीटर वाया श्रीनगर ही आपको आना पड़ेगा, और यही एक रास्ता है सोनमर्ग से पहलगाम आने का। बट अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो आप पहले पहलगाम भी जा सकते हैं, उसके बाद श्रीनगर के लिए निकल सकते हैं। टैक्सी की अगर मैं बात करूं तो सोनमर्ग से श्रीनगर आपको आना पड़ेगा, 2400 रुपए वो चार्ज करेंगे। सोनमर्ग और श्रीनगर के बीच की दूरी करीब 80 किलोमीटर है, और श्रीनगर से पहलगाम 91 किलोमीटर है, 91 किलोमीटर है, और टैक्सी वाले चार्ज करेंगे आपको ड्रॉप करने के 2500 रुपए। इसके अलावा शेयरिंग के भी ऑप्शन है, तो आप चाहें तो शेयरिंग में भी जा सकते हैं, वो आपको काफी सस्ता पड़ जाएगा। मान लीजिए आप ग्रुप में हैं, 5-6 लोगों का ग्रुप है, तो एक टैक्सी कर लीजिए और सब कंट्रीब्यूट करके इंजॉय कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की रोडवेज बस भी आपको मिल जाएगी, जो श्रीनगर बस स्टैंड से चलती है पहलगाम के लिए। पहलगाम बहुत अच्छी जगह है। पहलगाम तो जाना जाता है अपनी अमरनाथ यात्रा के लिए। अमरनाथ यात्रा करने के 2 अलग अलग रास्ते हैं, एक है पहलगाम से, दूसरा है बालताल से।
तो पहलगाम तो अमरनाथ यात्रा के लिए पॉपुलर है ही, काफी लोग आप में से जानते होंगे और काफी लोग आप में से अमरनाथ यात्रा कर भी चुके होंगे। देखते हैं नेक्स्ट ईयर अगर सही रहा सब कुछ तो अमरनाथ यात्रा पर भी आपको एक बार जरूर लेकर चलेंगे। होटल की अगर मैं बात करूँ पहलगाम में तो 700 रुपए से स्टार्ट होते हैं रूम, 2000 तक के अलग अलग रूम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें होटल, रिजोर्ट्स और कुछ गेस्ट हाउस भी पहलगाम में बने हुए हैं। पहलगाम में होटल्स बहुत सारे हैं, कारण अमरनाथ यात्रा का यहाँ से स्टार्ट होना है, इसीलिए यहाँ पर होटल बहुत हैं, सस्ते भी और महंगे भी। बात आती है कि पहलगाम आने के बाद घूमने कहाँ कहाँ जाना चाहिए। पहलगाम में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। चंदनवाड़ी आप जा सकते हैं, बेताब वैली आप देखने के लिए जा सकते हैं, अरू वैली आप देखने के लिए जा सकते हैं, सब थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही मौजूद हैं। लिड्डर रिवर आप देखने के लिए जा सकते हैं, लिड्डर अम्यूजमेंट पार्क आप देखने के लिए जा सकते हैं, ममलेश्वर टेम्पल आप देखने के लिए जा सकते हैं, लोलाब वैली आप देखने के लिए जा सकते हैं, शेषनाग लेक आप देखने के लिए जा सकते हैं, रिवर राफ्टिंग आप पहलगाम आने के बाद भी इंजॉय कर सकते हैं, गोल्फिंग के लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छा ग्राउंड बना हुआ है, गोल्फिंग भी आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। फूड पहलगाम में आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें वेजिटेरियन के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कारण वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तो यहाँ पर वेजिटेरियन फूड भी आपको इजीली और अच्छा वेजिटेरियन फूड आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये तो थी चारों हिल स्टेशन की जानकारी। अब इसके अलावा कुछ टिप्स भी आपको दे देते हैं कि कैसे सक्सेसफुली आप इस टूर को कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। देखिए, अगर आप पर्सनल कार लेकर जाते हैं या टैक्सी लेकर जाते हैं तो बहुत सारे टोल गेट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जगह जगह आपको टोल पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप तैयार होकर जाइएगा। फूड में आपको बता ही चुका हूँ, नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वेजिटेरियन के ऑप्शंस कम ही रहेंगे और आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सिम कार्ड की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो या तो आप पोस्ट पेड सिम लेकर आइएगा, या फिर आप कश्मीर में आने के बाद वहाँ से यात्री सिम ले लीजिए। मान लीजिए आप वैष्णो देवी यात्रा करके आप कश्मीर घूमने जाना चाहते हैं तो कटरा में ही आपको यात्रा सिम मिल जाएगा, वो ले लीजिए। जम्मू में भी आपको यात्रा सिम मिल जाएगा जो स्पेशली टूरिस्ट के लिए ही बनाया गया है, वो ले लीजिए ताकि आपका फ़ोन चालू रहे। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट पेड सिम है तो सबसे बेस्ट है, वो तो वहाँ पर चालू ही रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप कश्मीर घूमने तो चले जाइए, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जैसा अमूमन आप मनाली में, शिमला में, मसूरी में, नैनीताल में या उत्तराखंड, हिमाचल के कुछ दूसरी जगहों पर, या फिर साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में जो आप टूरिस्ट देखते हैं, उतने टूरिस्ट आपको कश्मीर में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कुछ जगहों पर कैमरा अलाउ नहीं है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। वैसे ओवरऑल बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहेगा, खास तौर पर गुलमर्ग का, श्रीनगर की डल झील का, सोनमर्ग और पहलगाम, सभी जगह बहुत लाजवाब हैं। हिमालय पर्वत के कुछ अनदेखे जो व्यूज़ आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, जो पीस आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा ना, वो बहुत शानदार रहने वाला है। एज ए टूरिस्ट आप वहाँ पर घूमिए, तब आप बहुत अच्छा वहाँ पर अनुभव ले पाएंगे। बात आती है बजट की। देखिए, बजट डिपेंड करता है ओवरऑल आपके ऊपर कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। अगर आप टैक्सी लेकर जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि बजट काफ़ी हाई हो जाएगा, बट अगर आप ट्रेन से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके जाते हैं तो बजट काफ़ी लो रह सकता है। वो टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आपका फ्रेंड्स का ग्रुप है तो आप गाड़ी ले जाइए और शेयर कर लीजिए, तो आपको काफ़ी कम खर्चे में ही इंजॉय कर लेंगे, जो अक्सर सभी लोग करते भी हैं। टोटल खर्चे की अगर मैं बात करूँ, एक एवरेज खर्चे की अगर मैं बात करूँ पर पर्सन, तो 25,000 से 30,000 रुपये तो खर्च हो ही जाएगा, क्योंकि चार बड़े बड़े हिल स्टेशन आप कवर करेंगे, दूरी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली से अगर श्रीनगर आप देखें तो 800 किलोमीटर से ज़्यादा है, और फिर इन सभी अलग अलग हिल स्टेशन की दूरी भी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा है। अब बात गुलमर्ग की कर लें तो श्रीनगर से गुलमर्ग एक अलग लेफ्ट दिशा में है, और श्रीनगर से सोनमर्ग राइट हैंड पर अलग दिशा में है, तो दूरी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रांसपोर्ट पर काफ़ी खर्चा होता है। और कश्मीर जैसा टूर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा टूर रहेगा, समय ज़्यादा लगेगा, और चार अलग अलग बड़े बड़े हिल स्टेशन आप कवर कर रहे हैं, तो 25,000 से 30,000 कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं रहेगा। और हो सकता है कि आप 25 से कम में भी कर सकते हैं, 20,000 में भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड करेगा आपके खर्चे पर। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है कश्मीर टूर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाते जाते एक लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहे। तो लाइक किए